हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2012 में आई अंडररेटेड सर्वाइवल थ्रिलर ब्रेक का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं गेव टॉरेस। ये मूवी बैरेट से काफी सिमिलर है और इन दोनों को कंपेयर भी किया जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा और आखिर में एक बड़े ट्विस्ट के लिए तैयार रहना। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं जेरेमी नाम के एक बेहोश आदमी को, जिसकी आंख खुलने पर वो खुद को कैद पाता है एक ग्लास बॉक्स में। उसे शक है मॉर्गन नाम के आदमी पर, जिसका जुए का कर्जा लौटाने ये न्यूयॉर्क आया था और शायद उसी ने इसे यहाँ पर डाला हो। वो काफी चिल्लाता है लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उसके सामने एक काउंटडाउन चल रहा था, जिसके जीरो होते ही अचानक एक दूसरे आदमी की आवाज आने लगी, जो कि घबराया हुआ हेल्प मांग रहा था। उसकी आवाज आ रही थी वहाँ पर एक पुराने रेडियो से। उसका नाम था हेनरी शॉ। वो जेरेमी से खुद को बाहर निकालने के लिए कहता है, जबकि ये तो खुद यहाँ पर फंसा है। सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से वो काफी पैनिक कर रहा था। तब जेरेमी उसे शांत करता है ताकि ये कुछ जानकारी निकाल सके। बातचीत करने पर जेरेमी को पता चलता है कि हेनरी भी बिल्कुल इसकी तरह कैद है, साथ ही दोनों के सामने चल रहा काउंटडाउन भी बिल्कुल सेम है। हेनरी को लग रहा था कि काउंटडाउन जीरो होते ही उसकी जान चली जाएगी। उसे जेरेमी से मदद की उम्मीद थी, लेकिन जेरेमी की हालत पता चलते ही वो भी टूट गई। जेरेमी उसे हिम्मत दे रहा था लेकिन उसका पैनिक खत्म नहीं हो रहा। ये दोनों एक ही नाव में सवार हैं, अगर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो नाव डूब जाएगी। जेरेमी को लग रहा था कि क्या पता हेनरी पर भी मॉर्गन के जुए का कर्जा हो, लेकिन वो तो मॉर्गन को जानता तक नहीं। अब उनका रेडियो काफी पुराना था, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, यानी कि ये दोनों ही काफी करीब हैं। अचानक जेरेमी को किसी की आहट सुनाई देती है तो वो काफी जोरों से उसे पुकारता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच सामने चल रहे काउंटडाउन के जीरो होते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई, यानी कि ये दोनों कैद हैं किसी बड़ी कार के ट्रंक में और फिलहाल इन्हें कहीं पर ले जाया जा रहा है। कार के चलते ही काउंटडाउन फिर से रिसेट हो गया, यानी जो भी चल रहा है वो पूरी तरह प्लान्ड है। हेनरी की गाड़ी भी चल रही है, यानी आरोपी नहीं चाहता कि इनका कॉन्टैक्ट टूटे। जेरेमी के पूछने पर हेनरी बताता है कि वो न्यूयॉर्क आया था एक बिजनेस ट्रिप पर, और पहले वो बिजनेस की जानकारी नहीं दे रहा था, लेकिन जेरेमी के जोर देने पर उसे बोलना पड़ा। ये एक स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर है जो कि मौजूद था व्हाइट हाउस में, जिन पर जिम्मेदारी थी विदेशी मंत्रियों की सुरक्षा की, यानी कि ये मामला जुड़ा है सरकार से। खैर, अचानक झटके लगने की वजह से जेरेमी की हालत खराब हो गई थी, तभी दोनों की गाड़ी रुक गई क्योंकि काउंटडाउन जीरो हो गया था। जेरेमी हेनरी को रेडियो बंद करके चिल्लाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर वो कहीं पास में होगा तो ये उसकी आवाज़ सुन लेगा। वो काफी जोर से चिल्लाता है लेकिन इसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती, यानी कि वो पास हैं लेकिन एक साथ नहीं। काउंटडाउन के जीरो होते ही लाइट ऑन होती है और हम बॉक्स को काफी अच्छे से देख पाते हैं। बॉक्स में बने होल की मदद से ड्राइवर उसे एक फोटो देता है, और तभी लाइट्स ऑफ हो गई इसलिए ड्राइवर ने उसे एक टॉर्च दे दी। वो फोटो थी व्हाइट हाउस की और उस पर लिखा था कि हमें रूले की लोकेशन बता दो। ये देखकर वो हैरान था, तभी हेनरी उसका नाम लेकर उसे पुकारता है, लेकिन इसने तो अपना नाम बताया ही नहीं। हेनरी को भी एक पेपर मिला है जिसमें इसका नाम लिखा है, और साथ ही ये भी लिखा है कि इसके जवाब देने पर ये बाहर निकल पाएंगे। हेनरी उसे इंसिस्ट करता है ये कहकर कि मेरी वाइफ और दो बच्चे हैं, प्लीज उन्हें बता दो तभी हम फ्री हो पाएंगे, लेकिन ये कुछ भी नहीं बताएगा। उसे सॉरी कहकर इसने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि क्या पता वो भी उन लोगों से मिला हो, क्या पता हेनरी ड्राइवर हो। बॉक्स को चेक करने पर उसे चारों तरफ वायर्स और ट्यूब्स दिखाई देती हैं, साथ ही एक टैग भी जिसे खींचने पर ये बाहर निकल पाएगा, लेकिन वो टैग बॉक्स के बाहर है। वो फ्रस्ट्रेट होकर लेटा हुआ था, तभी काउंटडाउन जीरो होते ही कार फिर से स्टार्ट हो गई। इस बार उसे हॉर्न सुनाई दे रहे थे, यानी कि वो हाईवे पर है, और ये समझ आते ही उसे एक आइडिया आ गया। जल्दी से रेडियो ऑन करके वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी ट्राई करता है, और लकीली उसका कॉन्टैक्ट हो गया बॉब नाम के एक ट्रक ड्राइवर से। इसकी बातें सुनकर पहले तो उसे लग रहा था कि ये मजाक है, बट जल्दी वो सीरियस हो गया। उससे हॉर्न बजवा कर जेरेमी पता लगा लेता है कि वो बिल्कुल इसके पीछे है। तब जेरेमी उसे अपनी कार का आइडिया दे रहा था ये कहकर कि ये कोई बड़े सिलेंडर इंजन वाली कार है, तो भी उसे एक हार्ले डेविडसन की आवाज सुनाई देती है, जिसे बॉब ने भी देख लिया। वो काफी तेजी से इसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी इस कार के ड्राइवर ने भी स्पीड बढ़ा ली और जल्दी से हाईवे से एग्जिट ले लिया, जिससे उनका कॉन्टैक्ट टूट गया। काउंटडाउन खत्म होते ही कार फिर से रुक गई। गाड़ी के रुकते ही लाइट्स ऑन हो गई और बॉक्स के बाहर लगी एक मशीन ने खुद एक कॉल लगा दी, जिसे उठाया इसकी एक्स वाइफ मॉली ने। जॉब पर जाने की जल्दी में वो कॉल काट रही थी, लेकिन जेरेमी ने उसे रोक दिया। इसके हालात जानकर वो उल्टा इसे सुनाने लगी, क्योंकि गैम्बलिंग की वजह से ही ये अलग हुए थे, लेकिन जेरेमी कहता है कि ये मॉर्गन नहीं है। वो चाहता था कि मॉली उसके दोस्त को कॉल करे, लेकिन उससे पहले ही कोई उसे उठाकर ले गया। अब इसकी वजह से मॉली की जान भी खतरे में है। किडनैपर उसे फोन करके मॉली की जान के बदले रूले की लोकेशन मांगता है, लेकिन जेरेमी कहता है कि पहले कार रोककर मुझे बाहर निकालो, तभी कोई डील होगी। किडनैपर मजाक के मूड में नहीं था, इसलिए कार रोककर उसने ढेर सारी मधुमक्खियों को बॉक्स में घुसा दिया, क्योंकि जेरेमी को बी से एलर्जी है, तो यानी कि किडनैपर इसके बारे में काफी कुछ जानता है। अब अगर जल्दी से एपीपेन इंजेक्शन नहीं मिला तो ये मर जाएगा।
इसी बीच हेनरी कहता है कि उन्हें जो चाहिए दे दो, क्योंकि वो हेनरी की फैमिली को भी ले गए, लेकिन जेरमी तब भी टस से मस नहीं होता। यानी वो लोकेशन काफी ज्यादा प्रेशियस है, इसलिए उसके बदले इसने हर किसी की जान दांव पर लगा दी। वो बेहोश हो गया, लेकिन जल्दी होश में भी आ गया, क्योंकि किसी ने उसे इंजेक्शन दे दिया था, यानी कि वो इसे मारना भी नहीं चाहते। उस होल के जरिए वो हाथ बाहर निकालता है, तभी ड्राइवर ने उसका हाथ जला दिया। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तब वो कहता है कि तुम एक इम्पॉर्टेंट एसेट हो। अब आपको बता दूं कि जेरमी एक स्पेशल एजेंट है और इसके पास प्रेसिडेंट से रिलेटेड सीक्रेट जानकारी मौजूद है जो कि चाहिए इन लोगों को, लेकिन वो जानकारी इतनी क्रूशल है कि उसे निकलवाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रूले है क्या। इसका जवाब हेनरी भी जानता है। वो एक सीक्रेट बंकर है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट समेत कई बड़े लोग मौजूद होते हैं, और वो बंकर्स बनाए गए थे 9/11 के हमले के बाद। इनकी लोकेशन हर बार चेंज होती है और वो ज्यादा लोगों को बताई नहीं जाती। तो अब हम जान गए कि ये लोग टेररिस्ट हैं जो कि मारना चाहते हैं प्रेसिडेंट को, इसलिए ये सब हो रहा है। अब जैसे ये लोकेशन बताएगा वो अटैक कर देंगे और खेल खत्म। या जेरमी हेनरी से भिड़ गया क्योंकि उसने पहले नहीं बताया कि वो भी रूले के बारे में जानता है। हालांकि वो लोकेशन नहीं जानता, उसे बस ये पता है कि रूले क्या चीज है। हेनरी भरोसे का आदमी है या नहीं, ये बात जेरमी कुछ सवालों के जरिए कंफर्म कर रहा था, जिनके जवाब उसने दे दिए, लेकिन उसे अब भी ट्रस्ट नहीं हो रहा क्योंकि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेरमी कहता है कि मुंह बंद रखना हमारी ड्यूटी है, यानी ये कुछ भी नहीं बताने वाला, चाहे मॉली मरे या हेनरी की फैमिली। यहाँ दोनों के बीच थोड़ा इमोशनल मोमेंट बन गया, क्योंकि दोनों ही अपनी फैमिली से काफी प्यार करते हैं, लेकिन देश के लिए इन्हें कुर्बानी देनी होगी। अब हेनरी के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि उसके दो बच्चे हैं। इसी बातचीत के बीच एक पुलिस कार उनके बगल से गुजरती है और उसने जेरमी की कार को रुकवा दिया, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। ड्राइवर ने जेरमी को वार्न कर दिया कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो मैं मॉली की गर्दन उड़ा दूंगा। जेरमी मजबूर था, लेकिन फिर भी आखिर में वो चिल्ला देता है, जिस वजह से वहाँ शूट आउट मच गया। एक गोली ने बॉक्स में भी छेद कर दिया था और उसका कान सीधा घुस गया जेरमी के पैर में। अब पुलिस के पीछे होने की वजह से वो बुरी तरह कार को भगा रहे थे, इसलिए झटके खा खा कर जेरमी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो कार खड़ी थी, यानी फिलहाल तो मामला रुक गया। पैर में से कांच निकाल कर वो होल के जरिए ड्राइवर का फोन अंदर ले आया। उस पर आ रही कॉल भी उसने उठा ली। वो आदमी भी इसे जानता था और साथ ही मॉली को भी। उसकी कॉल काट कर जेरमी मॉली को फोन लगाता है, लेकिन वो नहीं उठाती, और उसके दोस्त के साथ भी सेम यही था। तब इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके उसने सारी कहानी सुना दी, लेकिन बदले में हजारों सवाल उससे किए जा रहे थे और फिलहाल इस सब का टाइम नहीं है। उसे कोई जवाब चाहिए था और जवाब उसे मिला चौंकाने वाला। ये गया था न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन फिलहाल ये मौजूद है उससे कोसों दूर बाल्टीमोर रीजन में। अब वो ये फोन ट्रैक करेंगे, जिसका रेडियस होगा 3-6 किलोमीटर, क्योंकि फीचर फोन की वजह से इसमें GPS नहीं है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पाएगी। जेरमी अब भी होपलेस था, तभी उस बुलेट होल के जरिए वो देखता है एक आदमी को जो कि अपने डॉग को घुमा रहा था। चिल्लाकर उसने उस आदमी का ध्यान खींच लिया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता किसी ने उसे शूट कर दिया। कुछ इस तरह ये होप भी उसकी गायब हो गई। ऑपरेटर ने उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसे बताया कि इस वक्त वो है सेवरन मैरीलैंड में, और ये सुनकर वो चौंक गया क्योंकि यहाँ पर रहती है मॉली। वो उसे मॉली का एड्रेस देकर कहता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर यहाँ पर भेजो चेक करने। अब काफी देर तक फ्रस्ट्रेट होने के बाद उसे वापस ऑपरेटर की कॉल आती है और वो बताती है कि उस घर पर कोई भी नहीं था, बस उसके दरवाजे पर एक नोट था जिसमें लिखा था कि अगर ये कोऑपरेट करे तो मॉली बच जाएगी। ऑपरेटर कहती है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन इसकी कार तो चल पड़ी और इस बार काउंटडाउन लगा है 30 मिनट का, लेकिन इस बार कुछ गड़बड़ है क्योंकि इसे मिले हैं 30 मिनट जबकि हेनरी को सिर्फ 15 मिनट मिले हैं। यह हमें पता चलता है कि आज प्रेसिडेंट को वाशिंगटन में आना था और वो कब के आ भी गए होंगे। अब जैसे हेनरी को पता चलता है कि जेरमी के पास फोन है, वो उसे अपने घर का नंबर देकर अपनी फैमिली को फोन लगाने के लिए कहता है, लेकिन फोन उसने लगाया नहीं। उसने फोन किया अपने साथियों को जो कि फोन नहीं उठाते। रेडियो पर चल रही खबरों से उसे पता चलता है कि शहर में पूरी तरह कैओस मचा हुआ था, जगह जगह ब्लास्ट हो रहे थे और वो भी हद से ज्यादा मेन लोकेशन पर, यानी कि टेररिस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। जेरी फिर एक बार अपने दोस्त बैन को कॉल लगाता है और इस बार उसने फोन उठा लिया। वो पहले से इसकी हालत जानता था क्योंकि अकेला नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, और भी कई डिपार्टमेंट्स के कई ऑफिसर इसका शिकार हैं, जिनमें से कुछ तो फट गए। जी हाँ, ये सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक चलते फिरते बॉम्ब में बैठा है जो कि टाइम आने पर फट जाएगा। इसी तरह पूरे शहर में ब्लास्ट हो रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है ये फटेगा थोड़ी देर में जबकि हेनरी फटेगा पहले, और फिलहाल इन्हें वहीं पर ले जाया जा रहा है जहां पर ये फटेंगे। ये एक फुली फ्लैजेड प्लान है जिसका मेन टारगेट है प्रेसिडेंट, और अगर ये नहीं बताएगा तो क्या पता कोई और बता दे, क्योंकि इसके जैसे और भी ट्रैप्ड हैं। बिना बात पूरी हुए कॉल कट गई, तभी उसे दोबारा कॉल आती है जो कि थी मॉली की। उसका हाल भी यही है, उसे भी किडनैप करके एक कार में डाल दिया गया है जो कि जल्दी ब्लास्ट हो जाएगी। वो पूछती है कि उन्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट के बंकर की लोकेशन। वो मॉली को भरोसा दे रहा था कि ये उसे बचा लेगा, लेकिन सच्चाई ये भी जानता है। वो अपनी हर गलती के लिए सॉरी कह रहा था, और इसी बीच कॉल कट गई जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। यहाँ आप इसकी हालत समझ जाओ, ये सिर्फ एक वर्ड बोलकर सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन इसके कोर्स अलाउ नहीं कर रहे, ये देश को धोखा नहीं देगा। हेनरी उससे अपनी फैमिली का हाल पूछ रहा था, लेकिन कॉल तो इसने की नहीं।
इस बार वो कॉल करता है लेकिन कॉल उठाता है किडनैपर। एंड्रयू की फैमिली उसके कब्जे में थी। वो कहता है कि हमें रूले का पता बता दो वरना ये फैमिली मारी जाएगी, लेकिन जेरमी तैयार नहीं था। उधर हेनरी के बॉक्स में कोई फ्लूड भरना स्टार्ट हो गया था जिससे वो जल्दी डूब जाएगा। वो जेरमी को लोकेशन देने के लिए कह रहा था लेकिन जेरमी ऐसा नहीं कर सकता। अपने आखिरी पलों में हेनरी भगवान को याद कर रहा था तभी एक भयंकर ब्लास्ट हो गया, यानी हेनरी मारा गया। इसकी कार भी हिलने लगी, यानी कि वो इसके पास ही था। कार के थोड़ा शांत होने पर उसे कॉल आती है बैन की। वो बता रहा था कि बिना ब्लास्ट के बॉम्ब लोकेट नहीं हो रहे जिस वजह से बड़े ऑफिशियल अंडरग्राउंड हो रहे हैं, यानी कि जा रहे हैं उन बंकर्स में। तब जेरमी कहता है कि यही तो वो चाहते हैं। बैन कहता है कि क्या पता उन बंकर्स की लोकेशन ऑलरेडी रिवील हो गई हो, इसलिए मुझे लोकेशन बता दो, मैं खुद जाकर उन्हें वार्न करूंगा। ये सुनते ही जेरमी को बैन पर भी शक होने लगा। बैन कहता है कि भरोसा रखो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, लेकिन जेरमी कहता है कि पहले मॉली को ढूंढो। उसके कॉल रखते ही बाहर वाले फोन पर कॉल आता है एक न्यूज चैनल से, क्योंकि अब न्यूज फैल गई है जेरमी के टेररिस्ट होने की, और इसे सुनकर तो जेरमी भी हैरान है। ये काम है उन्हें आतंकवादियों का, क्योंकि जितना ज्यादा अटैक की बात होगी उतना ज्यादा पैनिक क्रिएट होगा, और जितना ज्यादा ये पैनिक करेगा उतनी जल्दी लोकेशन देगा। जेरमी उससे कहता है कि ये सब करके तुम टेररिस्ट की हेल्प कर रहे हो, प्लीज फोन काट दो, लेकिन रिपोर्टर्स को तो आप जानते हो। आखिर में वो बुरा भला सुनाने लगा तभी एक झटके की वजह से उसकी नाक टूट गई, क्योंकि एक पुलिस कार उसे हिट कर रही थी। पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद गाड़ी रोककर वो उसे एक आखिरी चांस देते हैं, लेकिन जेरमी ने साफ मना कर दिया। पर जल्दी उसे एहसास हो गया कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है, इसलिए आखिरकार वो मान गया। रेडियो के जरिए ड्राइवर उससे बात कर रहा था और आवाज से पता लग रहा है कि वो अमेरिकन है। लोकेशन जानने को उसके कान तरस रहे थे, लेकिन जेरमी ने सीधा उनका मजाक उड़ा दिया। वो कहता है कि तुमने इतनी मेहनत की पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिकली इसने मौत एक्सेप्ट कर ली। धोखेबाज बनने के बजाय ये मरना पसंद करेगा। अपने आखिरी 5 मिनट ये मजे लेकर बिताएगा। वो रेडियो तोड़ देता है तभी उसे कॉल आती है मौली की, जो कि बंद थी एक एम्बुलेंस में। ट्रैफिक की वजह से जेरमी की कार स्लो हो रही थी तभी अचानक काफी जोरों से सायरन बजने लगा, यानी ये खुद भी किसी स्पेशल व्हीकल में कैद है, जैसे कि एम्बुलेंस या फिर कोई पुलिस कार। अगली कॉल आती है बैन की। वो बताता है कि वो मालिक को ढूंढ नहीं पा रहे। अब उसका कॉल करते ही कॉल आती है टेररिस्ट की, जो कि इसे एक लास्ट चांस देता है, लेकिन जेरी का जवाब अब भी वही था। आखिरी 2 मिनट बचे थे इसलिए वो मौली को फोन लगाकर कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मौली बुरी तरह रोते हुए कहती है कि प्लीज उन्हें बता दो मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन वो कहता है कि मैंने कसम खाई है मैं उसे तोड़ नहीं सकता। मैंने आज तक तुम्हें परेशान किया लेकिन फाइनली मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिस पर तुम्हें गर्व होगा। टाइम खत्म होते ही टैंक पूरी तरह लिक्विड से भरने लगा तभी उसके पास कॉल आती है बैन की, और वो कहता है कि तुम तो मरोगे ही लेकिन मैं मौली को बचा लूंगा, जल्दी हमें लोकेशन बता दो। यानी कि बैन भी उनसे मिला हुआ है। जेरमी के लिए देशभक्ति है जबकि बैन के लिए बिजनेस, वो एक गद्दार है। कुछ सेकंड्स में जेरमी पूरी तरह डूब गया और अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं। किसी भी टाइम ब्लास्ट होने वाला था लेकिन तभी कोई उसे बाहर निकाल लेता है और वो था हेनरी। वहाँ पर कई और जाने पहचाने लोग मौजूद थे जैसे कि बैन और मौली, क्योंकि एक स्ट्रेस टेस्ट था जो कि थोड़ा खतरनाक था, पर आखिर में जेरमी पास हो गया। आसान भाषा में ये थी एक्सरसाइज जेरमी की वफादारी टेस्ट करने की, जिसमें वो पास हो गया। उसे हर तरह का लालच, दर्द और इमोशनल पेन दिया गया, लेकिन फिर भी वो नहीं टूटा, और ऐसे ही लोग इन्हें चाहिए। अब तक जो भी हुआ वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था और ये सब हो रहा है एक ट्रेनिंग ग्राउंड में। अगले महीने ये एशियन ट्रिप पर जाएगा, इसलिए टेस्ट जरूरी था, किसी वफादार को ये भेजेंगे। मौली को भी इन्होंने मनाया काफी पैसा देकर, और उस पैसे से मौली ने मॉर्गन का सारा कर्ज चुका दिया। अब जेरमी आजाद है। मौली उसके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वो दोनों बड़ी प्यार भरी बातें कर रहे थे कि कैसे ये नई लाइफ स्टार्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, और जेरमी तो मौली को दोबारा प्रपोज कर रहा था जिससे वो भी खुश थी। तभी रास्ते में वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को देखकर हंस रहा था क्योंकि वही है रूले। इस बात का अंदाजा लगते ही मौली ने धोखे से उसे बांध दिया, क्योंकि यह सब पूरी तरह प्लान था। असली ट्विस्ट यही है, ये सभी सचमुच टेररिस्ट हैं, यहाँ तक कि मौली भी। पहले इन्होंने काम लिया जबरदस्ती से, लेकिन उससे बात नहीं बनी तो काम आया सिंपल सा प्लान बी, जो कि ना तो उसने सोचा था और ना ही हमने। अब वो रूले की लोकेशन जानते हैं, इसलिए अब होगी असली तबाही, और अब जेरमिन के किसी काम का नहीं है, इसलिए बैन के कहने पर मौली एक जहरीली गैस की मदद से उसकी जान ले लेती है, और जिसके साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसमें कोई ढील नहीं थी, मूवी पूरी तरह ग्रिपिंग है, टेंशन नीचे आई नहीं। जो पहला ट्विस्ट आया उसने अचानक ही मूवी को लाइट कर दिया और हमें भी काफी राहत महसूस हुई, लेकिन वो तो बस एक प्रैंक था हमारे साथ। असली ट्विस्ट ने सब कुछ फिर से डार्क कर दिया, क्योंकि जेरमी फिर से हेल्पलेस हो गया था और साथ में हम भी। एंडिंग तो इसकी बहुत ज्यादा बेस्ट है। अब अगर इसमें ट्विस्ट ना भी आते तब भी स्टोरी अमेजिंग थी, लेकिन ट्विस्ट की वजह से और ज्यादा वैल्यू ऐड हुई, तभी इसे बैरेड से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि उसकी एंडिंग भी काफी इफेक्टिव है जबकि इसकी एंडिंग भी उससे कम नहीं। बैरेड की तरह इसमें भी देखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही आदमी था, जो कि था जेरमी, और उसी के जरिए हमें पूरी मूवी फील करनी थी, क्योंकि और कोई फोकस था ही नहीं। पूरी मूवी में उसे ही देखा, और अगर स्टीफन डॉव बेकार एक्टर होते तो हम पूरी मूवी कभी देखते ही ना, हमारा इंटरेस्ट कैसे बनता। तो इनकी भी तारीफ बनती है, और साथ में राइटर की भी, जिसने एक कार में होने के बावजूद कई सारी चीजों को एक साथ मूविंग रखा और अच्छे से बांध के रखा ताकि टेंशन बनी रहे। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में।
इसका बजट था $500,000 और इसने कमाए थे $100,000 के आसपास। इसे 12 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था। जर्मी यानी कि स्टीफन डॉफ सच में क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं और ये बात डायरेक्टर को पता चली थी शूटिंग खत्म हो जाने के बाद। स्टीफन ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया क्योंकि वह एक्सट्रीम मेथड एक्टिंग करना चाहते थे। डायरेक्टर गेब टॉरेस एक डाई हार्ड स्टाइल थ्रिलर बनाना चाहते थे जो कि एक ही जगह पर बेस्ड हो। गेब ने अपनी एजेंट को स्क्रिप्ट ढूंढने पर लगा दिया था और वो इस मूवी की स्क्रिप्ट लेकर आई थी। उसने गेब को कॉल करके पूछा कि क्या ऐसी मूवी चल जाएगी जो कार के ट्रंक में बेस्ड हो। गेब ने पूछा कितनी, तो वो बोली के पूरी। टिमथी मैनियन इस फिल्म के राइटर को इसका आइडिया आया था यूट्यूब पर 911 कॉल सुनने के बाद जो की गई थी कार ट्रंक से। म्यूजिक कंपोजर ब्रायन टायलर को इस फिल्म के बाद कई सारे ऑफर आए और कई लोग उन पर हंसे भी क्योंकि इस फिल्म के साउंडट्रैक में असली कार पार्ट्स की आवाजें शामिल हैं। इस फिल्म में जो फोन नंबर्स यूज किए गए वो वैसे नहीं थे जैसे कि आमतौर पर हॉलीवुड में किया जाता है। असल में हेनरी ने जो अपने घर का नंबर बताया था वो नंबर है वर्जीनिया के नॉकफॉल बेसबॉल अकेडमी का। इस फिल्म को बैरेट से कंपेयर किया जाता है। इसमें कैली रोचा ने 911 ऑपरेटर का रोल किया और सेम यही रोल उनका है बैरेट में। जर्मी कहता है कि वो एक लंबी कार के ट्रंक में है जिसका लार्ज सिलेंडर इंजन है और ये बात एकदम सच थी क्योंकि फिल्म मेकर्स ने यूज की थी सेकंड जनरेशन सीरीज फोर्ड क्राउन विक्टोरिया। मॉली यानी कि चाइलर ली इसकी को प्रोड्यूसर थी और उनके हस्बैंड नेथन वेस्ट इसके प्रोड्यूसर थे। चाइलर ली और कैली रोचा दोनों ने ग्रेस एनाटॉमी में काम किया था। बंकर का नाम रूले इसलिए था क्योंकि बंकर इसी तरह ऑपरेट होते हैं, वो बिना नोटिस के चेंज हो जाते हैं और ये जर्मी के जुए के एडिक्शन का भी रेफरेंस था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। और मैं आपको बता दूं कि एंथोलॉजीज भी आपके लिए जल्दी आएंगी तो उनका वेट करना और उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ प्रैंक ना करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।